आयो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आपने देख ही लिया होगा कि आज की इस वीडियो में किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रिव्यू यूनिट या फिर रिव्यू प्रोडक्ट आप कैसे ले सकते हैं। अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है और उस पर अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते हैं और अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, तो जो कंपनी जो है, मान लीजिए किसी मोबाइल की कंपनी है, वो आपको कोई रिव्यू प्रोडक्ट भेजेगी और आपसे कहेगी आप उसके ऊपर वीडियो बनाएं और उनकी कंपनी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दें, ताकि कोई भी अगर उस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहता है तो वो डिस्क्रिप्शन से बाय कर सकता है। ऐसे आपको रिव्यू प्रोडक्ट मिल जाएगा अगर आप कोई बड़े यूट्यूबर हैं। अब हम बात करते हैं जो छोटे यूट्यूबर हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा जो छोटे यूट्यूबर हैं वो कैसे रिव्यू यूनिट या फिर रिव्यू प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो आपको मैं सिंपल वे में समझाऊंगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करते रहना है, वीडियो थोड़ी बड़ी भी हो सकती है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो ऑफलाइन में आप कैसे ले सकते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन कैसे ले सकते हैं। पहले हम बात करते हैं ऑफलाइन की। जैसे कि मान लीजिए आप कोई अभी मोबाइल ट्रेंडिंग पर चल रहा है, जैसे कि कोई अभी वीवो का मोबाइल लॉन्च हुआ, वो मोबाइल पे अभी अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं, ट्रेंडिंग पे चल रहा है, और आप अपने चैनल पे अगर उसकी वीडियो डालते हैं तो आपकी वीडियो में काफ़ी व्यूज़ आ जाएंगे। लेकिन आपके पास कोई रिव्यू यूनिट नहीं होता, क्योंकि आप छोटे यूट्यूबर हैं, इसलिए आपको कोई कंपनी रिव्यू यूनिट नहीं भेजती है। तो मैं आपको बताऊँगा कि आप ऑफलाइन में अगर आपके आस पास कोई मार्केट है तो उसमें कोई मोबाइल की शॉप ज़रूर होगी, तो आप वहाँ पर जाइए और उससे बोलिए कि भाई मेरा एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे मैं डेली एक एक वीडियो अपलोड करता हूँ, मेरी वीडियो में 50 से 100 व्यूज़ आ जाते हैं, और आपका अगर चाहें तो मैं आपका किसी भी प्रोडक्ट, जैसे कि कोई मोबाइल हो, आप वो उनसे ले लीजिएगा, कहिएगा कि मैं आपका प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करके आपकी जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ पर मैं आपकी दुकान का नेम लिख दूंगा, और वहाँ पे मैं आपको अब उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए एक लिंक दे दूंगा जो आप मुझे देंगे। आप जहाँ से सामान ख़रीदते हैं, जो मोबाइल वाले होते हैं, उन्हें वो कंपनी का लिंक देंगे जो बोनस लिंक होता है, तो वहाँ से लोग खरीद के उनको ही फ़ायदा होगा जो ख़रीदेंगे, और आपको ही फ़ायदा होगा और दुकानदार को तो फ़ायदा होगा, क्योंकि उसके ज़रिए बहुत से मोबाइल बिक रहे हैं, तो यहाँ पर वो आपको आराम से दे देगा। अगर नहीं भी देगा तो आप किसी दूसरी दुकान पर ट्राई कर सकते हैं, वहाँ भी आपको मिल सकता है। अब हम बात करते हैं अगर आपको ने वो मोबाइल ले लिया और उसको आप क्या ऑफलाइन में फिर वापस करना है, तो वो वापस करेगा प्रोडक्ट या नहीं, वो वापस कर लेगा। बस आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपको उसको अच्छे से खोलना है, उसको सील पैक रहने देना है, कोई आपको ऐसी पन्नी उसकी फाड़नी नहीं है, अच्छे से आपको खोलना बस है, और उसको एकदम पहले आपको वीडियो बना के उसको आपको पैक करके उसको वापस कर देना है। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन की। तो ऑनलाइन में कुछ ऐसा होता है, आपने जैसे कोई मोबाइल मंगाया और उसको शायद 7 से 8 दिन होता है उसकी रिटर्न पॉलिसी का, तो आपने जब तक उसकी वीडियो बना लेना है और उसको आपको जो है वो आपको वापस रिटर्न कर देना है उसकी वीडियो बना के। तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी जो वो प्रोडक्ट है वो आपके पैसे वापस आ जाएंगे आपके अकाउंट में, आपका अकाउंट नंबर डाल देंगे रिटर्न करके, तो आपके पैसे वापस आ जाएंगे। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं और आप यूट्यूब पर ऐसे ज़्यादा पैसे लगाना चाहते हैं, तो आप ये ऑनलाइन का तरीका कर सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन ही कर सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।